जैसे कि सभी अध्यार्थी जानते हैं कि हमारे सामने एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2080 परीक्षा नामक विशाल दुश्मन खड़ा है और हम सभी का लक्ष्य उसको मात देना है। पर मात देने से पहले हमें आपको तैयार करना होगा, सभी प्रकार के हथियार और दाव पेच सीखने होंगे, साथ ही एक सुबह और पूर्ण रूप से सफलता दिलाने वाली रणनीति की आवश्यकता होगी। इसलिए जीएस हिंदी ने एक ऐसा प्लानर तैयार किया है, या यूं कहे कि एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसे फॉलो करने के बाद आपकी सफलता तय हो जाएगी। जी हां, आपने सही सुना और समझा है, हम आपकी सफलता की 100% गारंटी लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं। तो हम आपको शर्तें बताते हैं कि जीएस हिंदी जो 50 डेज प्लानर दे रहा है उसे आपको पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इस प्लानर में प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे का शेड्यूल है जिसको आपको हर हाल में फॉलो करना ही है, चाहे बाकी के 16 घंटे आप अपने अनुसार बिताएं। जिस सोर्स से आपको जो टॉपिक पढ़ने को कहा जाए उसी सोर्स को फॉलो करें। जीएस हिंदी का मानना है कि सिलेक्टिव पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। पहले प्रश्न पत्र के अलग अलग खंडों को जीएस हिंदी ने सिंक्रोनाइज किया है, जिससे सभी खंडों के महत्वपूर्ण भागों को जहां से अधिकतर यूपीएस द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं को शामिल किया है। इस रणनीति के तहत आपको प्रत्येक खंड के सिलेबस और उनको पढ़ने का सोर्स बताएगा और शाम को अथवा रात में उस पर डिस्कशन करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। सप्ताह के अंत अर्थात रविवार को पूरा सप्ताह की गतिविधियों का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपने हमारी रणनीति को सही से फॉलो किया या नहीं। 50 डेज की रणनीति की रूपरेखा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 50 डेज के प्लानर में आपने सभी खंडों के उन समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक्स चैप्टर को शामिल किया है जहां से क्वेश्चंस के आने की संभावना है। सभी खंडों और उनके टॉपिक्स को कुछ निश्चित दिन आवंटित किए गए हैं। आपको चाहिए कि कैसे भी करके दिए गए टॉपिक्स को निश्चित समय में पूरा किया जाए, क्योंकि अगले दिन आपको अलग टॉपिक दिया जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी आलस या काम चोरी की थी तो समझ लीजिएगा कि आपके यूपीएस में सिलेक्शन के अवसर कम हो गए। हमारा अप्रोच होलिस्टिकली संपूर्ण सिलेबस को स्मार्ट वे में पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रिविजन पर फोकस रहेगी। प्रत्येक दिन जो 8 से 10 घंटे आपने प्लानर के अनुसार पढ़ा, रात में उसका पुनः रिवीजन करना है, दोहराना है, ताकि पढ़े तथ्यों की स्मृति, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको हमेशा याद रहे। 50 डेज के सिलेबस के पश्चात सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना है, कुछ समय कुछ और नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के संपूर्ण सिलेबस को हमने विभिन्न खंडों सिलेक्शंस में तोड़ा है और फिर इन खंडों को विभिन्न टॉपिक्स में ब्रेक किया है। सभी खंडों और उनके टॉपिक्स को कुछ निश्चित समय आवंटित किए गए हैं, जो कि आप ये खुद देखें कि ये किस तरह हमने इन टॉपिक को डिवाइड किया है। और 50 दिन बाद पढ़े हुए को पुनः रिवीजन करना और कुछ नया नहीं पढ़ना।